नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से आखिर आपका एक सवाल था कि आखिर सीनियर सिटीजन की कॉन्सेशन जो है रेलवे इस बारे में कब तक सोचेगी, रेलवे कब बताएगी हमें इसका जवाब कब तक कि सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन जो वो मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, अगर मिलने वाला है तो कब से मिलने वाला है। दरअसल कोविड के बाद जब सीनियर सिटीजन के कॉन्सेशन को बंद किया गया था तो इसके बाद लोगों ने विरोध किया था क्योंकि सीनियर सिटीजन के कॉन्सेशन तो बंद हो गई, रेलवे ने इसे खर्चा बताकर बंद कर दिया, लेकिन जो एमपी एमएलएस थे उनका जो छूट जैसे था कोविड के दौरान भी उनका छूट था, छूट मिल रहा था उनको और आज भी मिल रहा है। तो यहां पर रेलवे ने कहा कि हम इस बारे में सोच रहे हैं और सोच विचार करने के बाद अब आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया इस बारे में कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत फिलहाल बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे में पेंशन और वेतन का बिल जो है वो बहुत अधिक है और इसके अलावा पिछले ही साल भारतीय रेल ने यात्री संबंधी सेवाओं के लिए यानी कि यात्रियों की सुविधा के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। सांसद नवनीत कौर राणा के ये सवाल थे जिसका जवाब हमारे रेल मंत्री दे रहे थे। कोविड-19 की शुरुआत के बाद से रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया था क्योंकि रेलवे का यह कहना था कि छूट नहीं मिलेगी तो यात्री जो है कम यात्रा करेंगे और कोरोना जो है कम फैलेगा। मतलब एक अच्छी मतलब चीज़ हमने ये सोचा था कि हाँ रेलवे चलो भाई यहाँ पे जो है ऐसे भी परिस्थिति ख़राब है तो अब यहाँ पे क्या छूट की उम्मीद कर सकते हैं। तब यात्रियों ने किसी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, यात्री क्या सीनियर सिटीजन्स ने यानी कि बुजुर्ग जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्थिति साधारण होने के बाद भी कॉन्सेशन वाला मामला जो है वो वहीं का वहीं ठहरा है। रेल मंत्री ने जवाब देते हुए रेलवे द्वारा किया जा रहा खर्च भी जुड़वाया, मतलब सिर्फ इतना नहीं उन्होंने और भी बहुत कुछ जो है हिसाब बताया, मैं आपको वो बताता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के लिए पिछले साल 59,000 करोड़ रुपये दिए गए जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। इसके साथ ही रेलवे पेंशन पर हर साल 60,000 करोड़ दे रही है। देखिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा इस सवाल के खिलाफ मैं हूं क्योंकि रेलवे जो है पेंशन अपनी जेब से नहीं दे रही है, कर्मचारी जिंदगी भर अपना जो काम करता है अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके वो पेंशन के लिए जमा करते जाता है रेलवे के पास, तब जाके रिटायरमेंट के बाद उससे जो है पेंशन मिलती है और उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी जो है उससे आधा मिलेगी और मतलब दोनों की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद जो है एक भी रुपये पेंशन नहीं मिलती, यानी कि जल्दी अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो सारा पैसा जो है रेलवे रख लेती है और रेलवे जो पूरी जिंदगी भर की उसकी कमाई में से पेंशन के लिए काट काट के रखता है उसको सूद समेत वापस करता है पेंशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद में। तो ये जो है खर्चे नहीं है, ये अधिकार है एक कर्मचारी की। अच्छा, इसके बाद रेलवे ये कह रही है कि सैलरी पर 97,000 करोड़ रुपए रेलवे जो है खर्च कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा सैलरी के लिए क्या ऐसा होता है रेलवे में कि कर्मचारी जो है स्टेशन पर आते हैं प्लेटफॉर्म पर आते हैं उनके लिए बेड लगा हुआ होता है, वो कंबल वगैरह ओढ़ के सो जाते हैं फिर उठते हैं शाम को 4 बजे यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद चले जाते हैं और रेलवे जो है हर महीने उनको उनके अकाउंट में सैलरी भेज देती है। ऐसा तो नहीं होता ना, जान की बाजी लगा देते हैं कर्मचारी काम करने के लिए अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, तब जाके एक महीने की सैलरी जो है उनको मिलता है। तो ये खर्चा नहीं है उनका, ये भी हक है, अधिकार है। साथ में रेलवे ये भी कह रही है कि ईंधन पर 40,000 करोड़ रुपए रेलवे के खर्च हो रहे हैं, कि यात्रियों को नई सुविधाएँ भी दी जा रही है। अच्छा, सुविधाएँ भी मिल रही है क्या? अच्छा, और स्थिति पर गौर करने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की। एक और सांसद सुरेश नारायण धनरोकर ने ऐसे ही एक सवाल किया कि क्या सीनियर सिटीजन और परमिटेड रिपोर्टर्स को रेल यात्रा में छूट मिलनी चाहिए। तब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर यात्री को टिकट में करीब 55% की छूट दी जा रही है, एक यात्री के सफर में रेलवे को औसतन 1.16 रुपये का खर्च उठाना पड़ता है जबकि उनसे किराया यात्रियों से जो है 40 से 48 पैसे ही लिया जाता है, यानी कि रेलवे नुकसान उठाकर यात्रियों को यात्रा करा रही है। तो मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले की बात है जब रेलवे में रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई थी कुछ ही रेलवे स्टेशनों से जुर्माने की रकम से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ रेलवे अपने जेब से पैसे भर रही है हमें यात्रा कराने के लिए, वहाँ अगर आप टिकट में थोड़ा बहुत इधर उधर आपका हो जाएगा तो दुगना पैसे आपसे जुर्माने के नाम पर वसूला जाता है, फिर भी रेलवे नुकसान में चल रही है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन को रेलवे ने यहाँ नुकसान बता के इसे रोका हुआ है, मैं बताना चाहूँगा जो सांसद मंत्री या एमपी एमएलए जो थे उनके छूट जो कोविड के दौरान भी चल रही थी आज भी चल रही है, सिर्फ यही एक मुद्दा है, यही एक बात है जो मैं उठाना चाहूँगा कॉन्सेशन के अगेंस्ट में। अगर ये बंद होता है तो कॉन्सेशन बंद कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेशन बंद है और ये चल रहा है तो मेरे हिसाब से मुझे तो दिक्कत है और हर एक आम आदमी को दिक्कत होना चाहिए। आपको दिक्कत है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।